हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारे नए वीडियो में यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? तो बिल्कुल नई सीरीज स्टार्ट की गई है नए बच्चों के लिए जो अभी अभी 12th में होने वाले हैं या हो गए हैं। तो बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट। हर एक चैप्टर गए हैं, मैं आपको बिल्कुल फुल कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। डेली आप लोगों के लिए वीडियो आने वाली है, फुल कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या क्या है। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि लास्ट 10 ईयर के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आए हैं उसी वीडियो के अंदर। एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड आईआईटी जेई में कौन से क्वेश्चन आए हैं, नीट के अंदर कौन से क्वेश्चन आए हैं, एचएयू हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर या और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। तो ये बिल्कुल बेस्ट सीरीज रहने वाली है आप सभी के लिए। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम शेयर करना है आप लोगों ने, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को पहुंचानी है बातें। जहां जहां पे प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आपने मुझे अब तक अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। करना क्या है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ पे भारत पंचाल सर्च करना है एंड मुझे फॉलो कर लेना है। आपको क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि हर एक चैप्टर फुली अपलोड है वहाँ पे, हर एक कंसेप्ट अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा आपके पास। फ़ायदा ये है कि आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो वहाँ पे, सारे के सारे कंसेप्ट, सारी एनसीईआरटी, सारे लास्ट 10 ईयर, इवन कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन भी मैंने आपको वहाँ पर कराए हुए हैं और वो सब कुछ फ्री है आप लोगों के लिए। और दूसरी बात बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने अपना प्लस प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है जिसकी फ़ीस बिल्कुल नॉमिनल है। कोटा, चंडीगढ़, दिल्ली से कंपैरिजन में मतलब 10 टाइम्स जो है वो सस्ती फीस है, तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो जल्दी से सभी बच्चे वो भी कर लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा जो बच्चे जेई नीट क्लियर करना चाह रहे हैं। वहाँ पे मैं भी पढ़ाऊँगा, प्लस कोर्सेज में मैं भी आपको देखने को मिलूँगा। मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग मतलब प्लस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, करना कुछ नहीं है, सिर्फ लिंक ओपन करना है, जो भी आपकी फ़ीस है वो आपने पे करनी है। एंड वहाँ पे अगर आप रेफरल कोड डालते हो भारत पंचाल 92, देन आपको 10% और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा फीस में से। ओके, मैं वहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, क्रैश कोर्स है, और आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं अनअकैडमी पर भी। तो बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। फर्स्ट यूनिट हमारी सॉलिड स्टेट है एंड एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स की आती है। तो क्या होती है सॉलिड स्टेट? हमें पता है जो हमारी मैटर होती है वो 3 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा भी स्टेट्स होती हैं, लाइक प्लाज्मा स्टेट, एक होती है बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट, बट हमने जो धरती पे पाई जाती है मोस्टली वो 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो क्या होती है सॉलिड स्टेट? द सॉलिड्स आर द सब्सटेंस व्हिच हैव डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। 3 बातें होती हैं, डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है एंड डेफिनेट शेप होती है। जैसे ये है, इसके एक मास होगा, एक वजन होगा इसके अंदर, इसके एक शेप भी है फिक्स और इसके एक फिक्स वॉल्यूम भी है, इसने एक फिक्स स्पेस भी ऑक्यूपाई करना है। तो पहला जो पॉइंट हमारी बुक्स के अंदर आधारित होता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। क्या क्या खास बातें होती है सॉलिड्स की, कुछ मुख्य विशेषताएं जो होती है। सबसे पहली बात, सॉलिड्स हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप, हो चुका। अगली बात करें तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इन सॉलिड्स आर श्योर। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होते हैं इनके पार्टिकल्स के अंदर, जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। भाई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हिंदी में बोलते हैं बनाने वाले पदार्थ। क्या बोलते हैं? बनाने वाले पदार्थ। ओके, और वो केमिस्ट्री में क्या होते हैं? एम। क्या होते हैं? एम। ए बोले तो एटम, आई मींस आयन, एम मींस मॉलिक्यूल। जैसे Na है, Cl अलग अलग है, दे आर एटम। अगर वो कंबाइंड हो जाते हैं दे बिकम मॉलिक्यूल, और कंबाइंड के बाद वो अलग अलग हो जाए तो दे बिकम्स आयन। एटम क्या होता है? जैसे Na है, Cl अलग अलग है। मॉलिक्यूल क्या होता है? अगर वो जुड़ जाते हैं, अगर वो जुड़ के अलग अलग हो जाए तो वो क्या बन जाएंगे? आयन। तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो बिल्कुल पास पास पैक होते हैं, बिल्कुल उनके बीच में स्पेस होता है, वो नेग्लिजिबल होता है सॉलिड्स के अंदर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। मॉलिक्यूल्स को जो फोर्स होल्ड कर रही है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है।
The constituent particles of solids have fixed position, like a gas है. Gas के particle यहाँ पे उड़ रहे हैं, क्या कहीं और जा रहे हैं. Liquid के particles हैं, liquid भी continuously flow करते रहते हैं. अब इसमें बात करें, मान लो यहाँ पे एक point है, तो वो यहीं पे रहेगा. यहाँ पे ये नहीं कि ये यहाँ पे चला जाएगा, मतलब इनके constituent particles की जो position रहती है वो fix रहती है. Solids are almost incompressible, compress नहीं कर सकते हैं, rigid होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, और वो भी इसी वजह से है कि इनके पार्टिकल्स फिक्स लगे हुए हैं. द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस. डेंसिटी का मतलब मास बाय वॉल्यूम, एक फिक्स एरिया के अंदर कितना मास है, तो ऑब्वियस है वो सॉलिड का ही ज्यादा होता है. अगली बात करते हैं, सॉलिड डिफ्यूज वेरी स्लोली एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस. अगर सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करना है तो वो मिक्स नहीं हो पाता उतनी आसानी से जितनी आसानी से लिक्विड में लिक्विड मिक्स हो जाएगा या गैस में गैस मिक्स हो जाएगा. डिफ्यूज मींस लाइक मिक्स होना. नेक्स्ट, मोर सॉलिड बिकम्स लिक्विड व्हेन हीटेड. जब भी हम सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग, एंड जिस टेम्परेचर पे ये होती है प्रोसेस उसे हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. तो ये थी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड. अगली बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड भी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड से रिलेटेड भी. तो सॉलिड्स मोस्टली टू टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफस सॉलिड. हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं मैं आपको इनके डायग्राम से समझाऊं, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से समझाऊं तो ज्यादा अच्छा आई थिंक आप लोगों को समझ में आ जाएगा. देखिए जो इनके पार्टिकल्स होते हैं ना, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के होते हैं, वो डेफिनेट पैटर्न होता है, फिक्स पैटर्न होता है. एंड इसमें बात करें तो इसके पार्टिकल्स का जो पैटर्न होता है ना, वो पैटर्न जो होता है वो फिक्स नहीं होता मतलब. ओके, तो यही बात है. रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसके जो बनाने वाले पार्टिकल्स है वो रेगुलरली अरेंज है, एक के बाद एक, एक के ऊपर एक. इसमें डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट, इसमें पार्टिकल्स के अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है. जब अरेंजमेंट रेगुलर है, एक सिंपल समझो इंटेल का भी, इंट समझते ना, ब्रिक्स रेगुलर लगाई एक के बाद एक, एक के ऊपर एक, तो एक बढ़िया वाली अरेंजमेंट बन के आएगी, एक बढ़िया वाला स्ट्रक्चर बन के आएगा, एक डेफिनेट शेप निकल के आएगी. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, जबकि जो अमरफस सॉलिड है, अब इंटे इधर उधर गिर देते हैं तो क्या होगा, उसकी शेप डेफिनेट नहीं आने वाली है. सो दे हैव इनडेफिनेट शेप. अगली बात करते हैं, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, मतलब अगर मैं कह रहा हूं 200 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो 200 डिग्री सेल्सियस. मैं कह रहा हूँ 300 डिग्री सेल्सियस, वो 300 डिग्री सेल्सियस. मैं कह रहा हूँ 479 डिग्री सेल्सियस, मींस वो 479 डिग्री सेल्सियस. शार्प मतलब फिक्स. अब इसमें क्या होता है, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर. इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, इनका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज के अंदर होता है. लाइक मैं कहता हूँ 400, मतलब 400 नहीं है, 400 टू 500 कहीं पे होगा, 400 टू 500 के बीच में किसी भी रेंज पे वो मेल्ट कर सकते हैं. तो ऐसा मेल्टिंग पॉइंट होता है अमरफस सॉलिड का. नेक्स्ट बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो दे शो क्लीन क्लीवेज व्हेन कटेड. जब इनको काटा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो बिल्कुल साफ सफाई से कटते हैं, बिल्कुल. देखिए ध्यान से आपने प्रॉपर्टीज को याद रखना, इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं. हाँ जी, इसमें बात करें तो दे शो रफ क्लीवेज व्हेन कटेड. रीजन क्या है, देखिए इसमें पार्टिकल्स के साफ पार्टिकल्स हैं, तो जब काटे जाएंगे तो पार्टिकल्स कटेंगे, तो बड़ी साफ सफाई से कटाई होगी. इसमें बात करें तो इसमें बड़ी टेढ़ी मेढ़ी कटाई होने वाली है. तो दे शो रफ क्लीवेज व्हेन कटेड. अगली बात करें तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि कौन अच्छे वाले सॉलिड हैं. इनमें सारी बढ़िया वाली प्रॉपर्टी है, दीज आर हार्ड, दीज आर लेस हार्ड. तो दीज आर ट्रू सॉलिड्स, ये बढ़िया वाले सॉलिड है. क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, जबकि जो अमरफस सॉलिड्स होते हैं वो स्यूडो सॉलिड्स होते हैं. स्यूडो मतलब धोखा, नकली. सॉलिड के नाम पे कलंक है, और इन्हें क्या कह सकते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कह सकते हैं. नेक्स्ट बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े क्वेश्चन बने हैं इससे रिलेटेड भी. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर, आगे मैं एक्सप्लेन भी कराऊंगा क्या होता है एनिसोट्रोपिक, व्हाइल अमरफस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर. इनकी नेचर क्या होती है भैया, आइसोट्रोपिक होती है. दे हैव लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट. इनकी जो अरेंजमेंट होती है, इनके पार्टिकल साथ साथ लगे हैं, तो उसे आप जितने मर्जी लंबे स्ट्रक्चर बना सकते हो.
इसमें क्या है, पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा है तो क्रैक हो जाएगा, तो दे हैव शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट। एग्जांपल की बात करें तो जितनी भी मेटल्स आएंगी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आएंगी, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो हम अगले वीडियो के अंदर आएगा जब क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप को एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और इसके एग्जांपल की बात करें तो अमेफियस सॉलिड के एग्जांपल की बात करें तो ग्लास, रबड़, प्लास्टिक, ये सब जो रहते हैं ये अमेफियस सॉलिड के एग्जांपल रहते हैं। ओके बात, नेक्स्ट बात है तो मैंने जो प्रॉपर्टी कही थी, एक प्रॉपर्टी होती है आइसोट्रोपी, एक प्रॉपर्टी होती है एनआइसोट्रोपी। अब क्या होती है आइसोट्रोपी, क्या होती है एनआइसोट्रोपी, इसके सिंपल से मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं। सन्नी देओल की फिल्म आई है कहां पे, डीडीपी, डीडी मतलब दूरदर्शन, आइए उसे एसी वाले कमरे में बैठ के देखते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक आप लोगों ने याद रखना है, सन्नी देओल की फिल्म आई है दूरदर्शन पे, आइए उसे एसी में बैठ के देखते हैं। रिपीट कर रहा हूं, संजय दत्त की फिल्म आई है दूरदर्शन पे, आइए एसी में बैठ के देखते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सन्नी देओल, सन्नी देओल मतलब विच हैव सेम प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, उसे हम लोग क्या कहते हैं आइसो, क्या कहते हैं देखिए आइसोट्रोपी का क्या, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, एंड आइसोट्रोपी इज शोन बाय, आइसोट्रोपी इज शोन बाय अमेफियस सॉलिड, आइसोट्रोपी को कौन शो करता है, अमेफियस सॉलिड शो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डीडी की, डीडी मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, लिखा भी हुआ डीडी मीन्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, उसे क्या कहते हैं एनआइसोट्रोपिकल। एंड एनआइसोट्रोपिकल कौन होते हैं, एसी यानी एनआइसोट्रोपी इज शोन बाय हुम, बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड। बात क्लियर है या नहीं क्लियर, अभी सन्नी देओल की फिल्म आई है दूरदर्शन पे, सन्नी देओल यानी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसे बोलते हैं हम लोग आइसोट्रोपी, एंड आइसोट्रोपी शोन बाय अमेफियस सॉलिड, व्हाइल डीडी मींस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, उसे क्या बोलते हैं एनआइसोट्रोपिकल, एंड एनआइसोट्रोपी शोन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब समझिए ज्ञान की बात क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, थर्मल कंडक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, मतलब अगर कोई ऐसा सॉलिड है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू हर एक डायरेक्शन में सेम आ रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेम आ रही है हर एक डायरेक्शन में तो उसे हम कहेंगे आइसोट्रोपिकल, एंड आइसोट्रोपी को कौन शो करता है, आइसोट्रोपी शोन बाय अमेफियस सॉलिड। एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए ये, मान लीजिए क्या है ये प्लास्टिक, प्लास्टिक है, यहां पे मैंने करंट लगाया, क्या पास हो जाएगा यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, किसी जगह पे नहीं होगा, डायरेक्शन डिफरेंट है बट इसकी प्रॉपर्टी क्या रही है, वो सेम रही है, तो ये तो आइसोट्रोपी है। और अगर मैं यहां पे कोई मेटालिक शीट लूं, यहां से करंट पास करा के देखो, करंट पास होगा बट जितना करंट पास होगा वो सेम नहीं रहेगा, इस डायरेक्शन से कुछ और वैल्यू आएगी, इस डायरेक्शन से कुछ और वैल्यू आएगी, इस डायरेक्शन से कुछ और आएगी, रीजन ये है कि उसे अलग पाथ फॉलो करना है, उसे थोड़े सा पाथ फॉलो करना है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ये बातें होती हैं। अब इनसे रिलेटेड एनसीईआरटी में क्या क्या क्वेश्चन है, 10 ईयर के अंदर क्या क्या क्वेश्चन है वो हम अभी पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन की, इस टॉपिक से रिलेटेड जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आए हुए हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड, ये जो सॉलिड्स होते हैं इतने कठोर क्यों होते हैं, इतने ठोस क्यों होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, सिंपल सा आंसर आएगा सॉलिड्स आर रिजिड ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हमने सॉलिड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कहा था कि इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो इनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखती हैं, तो इनको कंप्रेस वगैरह नहीं किया जा सकता, इसी वजह से बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो why do solids have a definite volume? इनका fixed volume क्यों होता है? इसका भी answer same ही है. Solids are rigid and incompressible, hence they have definite volume. Next question है भी. Next question देखिए क्या आया हुआ है. Classify the following as amorphous or crystalline solids. सबसे पहले polyurethane, naphthalene, benzoic acid, teflon, potassium nitrate, cellophane, polyvinyl chloride, fiberglass, copper. तो पहले मतलब मैं आपको बताता हूँ amorphous solid कौन से हैं, बाकी जो बचे वो सब के सब crystalline solid हैं. तो सबसे पहले polyurethane ethane जो है, उसके बाद teflon, उसके बाद cellophane, उसके बाद polyvinyl chloride, fiberglass, ये सब के सब क्या हैं? amorphous solid हैं. और जो बाकी बचे वो सब के सब क्या कहलाते हैं? crystalline solids कहलाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, why is glass considered a super cooled liquid? अब मैंने आपको बताया था कि सुपर कूल्ड लिक्विड यानी स्यूडो सॉलिड्स, एंड ये प्रॉपर्टी है किसकी? अमर्फस सॉलिड की. और अमर्फस सॉलिड का एग्जांपल था ग्लास. अब क्यों बोलते हैं, बात ये है, अब लिक्विड्स के अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो करते हैं. तो ग्लास के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होती है, ग्लास भी फ्लो करता है, बट वो बड़ी स्लो स्पीड से फ्लो करता है. लाइक लिक्विड अमर्फस सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो बट वेरी स्लोली. ग्लास बींग एन amorphous solid is sometimes called pseudo solids or super cooled liquid. मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो जो पुरानी बिल्डिंग होती है उनका जो खिड़कियों के जो ग्लास होते हैं, कांच होती है, वो क्या होती है, नीचे से थिक होती है, नीचे से मोटी हो जाती है, ऊपर से पतली रह जाती है. वो सिर्फ एक ही रीजन रहता है उसका, वो फ्लो करना. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू इन अलोंग ऑल डायरेक्शन. समझ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल प्रॉपर्टी है. इट ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन. उसकी वैल्यू सेम है हर एक डायरेक्शन में, सेम है हर एक डायरेक्शन में. समझ रहे इस बात का मतलब? सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन, एस डी, और एस डी इज आइसोट्रोपिकल. कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड, वुड इट शो द क्लीवेज प्रॉपर्टी? अमर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिकल, हेंस दे हैव सेम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ऑल डायरेक्शन. मैंने बताया था जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनकी वैल्यू सेम रहती है डिफरेंट डायरेक्शन के लिए फॉर amorphous solid. ठीक है, एंड जो amorphous solids होते हैं जब उनको काटा जाता है तो साफ सफाई से नहीं करते. सो दीज सॉलिड्स डू नॉट शो द क्लीवेज प्रॉपर्टी, दे आर कट इंटू टू पीसेज विद रफ सरफेस. ओके बात. तो ये थे जी हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट के लिए. अब बात कर लेते हैं कि लास्ट 10 ईयर के अंदर क्या क्या आया हुआ है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रोपिक. ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है ऑल इंडिया 2014 कंपार्टमेंट के अंदर. तो इसका सिंपल आंसर मैं आपको बता के आया हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनिसोट्रोपिक क्यों होते हैं, कैसे आप लोग पेपर में करके आने वाले हो. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर बिकॉज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन. मैंने आपको एग्जांपल के बेस पे समझाया था कि हर एक डायरेक्शन में सेम पार्टिकल नहीं लगे हुए, किसी में कम लगे हुए, किसी में ज्यादा लगे हुए, किसी में किसी तरह से लगे हुए, किसी में किसी तरह से लगे हुए. सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन. दैट्स वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. Some of the glass objects recovered from ancient monuments look milky instead of being transparent. Why? ये question आपका आया है All India 2012 compartment के अंदर. ये भी मैं आपको बता चुका हूँ. Some of the glass objects from ancient monuments look milky instead of being transparent because it undergoes heating during the day and cooling at night. As a result, it acquires some crystalline character. They become a bit opaque. अभी टॉपिक क्लियर है. क्या होता है कि मतलब सिंपल सी बात है कि जो पुराने बिल्डिंग है, पुराने घरों की बात करें तो उनका जो ग्लास हो जाता है ना वो मिल्की हो जाता है. रीज़न क्या है कि दिन को उन्हें बड़ी गर्मी मिलती है, रात को धीरे धीरे वो ठंडे और होते हैं. पता है क्वेश्चन आता है कि कैसे मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को amorphous बना सकता हूँ और कैसे मैं amorphous सॉलिड को क्रिस्टलाइन बना सकता हूँ. ये हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, उसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन. हाँ जी, तो ये क्वेश्चन अभी करके ही आए हैं. इसका मतलब क्या है कि एनिसोट्रोपिक का मतलब ये है कि उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेंगी डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा,
राइट एंड टू डिफरेंस बिटवीन एमरफस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड. एमरफस सॉलिड में और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंस किए हैं. ओके वो आप वहाँ से देख लोगे. अभी बात करें तो इसके जो कंपटीशन के क्वेश्चन है भाई, वो सब के सब मैंने लास्ट 45 ईयर्स के वो मैंने अपलोड किए हैं अनअकैडमी पे. लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, फ्री है बिल्कुल, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, बहुत फायदेमंद है. पीडीएफ भी आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. और एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको एक कंप्लीट चैप्टर के बाद प्रोवाइड कराऊंगा. जो एक्सरसाइज है इन टेक्स्ट मैं साथ के साथ करवाता चलूंगा. होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, आपके फायदेमंद रही है, मेरे एफर्ट्स आप लोगों को पसंद आ रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. बताइए इन चीज़ों से मनोबल बढ़ता है टीचर का, और ज़्यादा वीडियो बनाने का दिल करता है, अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का दिल करता है. नेक्स्ट वीडियो किन टॉपिक से डालो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. और अगर अब तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया फॉलो भी कर लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नई वीडियो. जय हिंद.